लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट्स हम रीड कर सकते हैं जिन्हें हम देख के पता चल रहा है कि जो ये क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स का है और ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है डेल्टा जी को विद स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं विच कैन हैपन ऑन इट्स ओन. विच कैन हैपन ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हो सकती हैं, या हम ऐसा भी कहते हैं कि जो अपने आप हो सके अगर हम उन्हें एक बार इनिशिएट करवा दें, जैसे कि कोल की बर्निंग. अगर हम एक बार इग्नाइट कर दें कोल को, देन वो टिल जब तक वो एशेस में कम्प्लीटली कन्वर्ट ना हो जाए वो अपने आप बर्न हो सकता है. तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के लिए वैसे तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कनेक्ट मैं आपको दे देती हूँ थ्योरी से. तो हमें दो फॉर्मूले बताए जाते हैं. एक होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल, दैट मीन्स टोटल एंट्रोपी. टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोथ. और एक अदर थिंग जो हमें यहाँ ज़रूरत होगी उसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड लॉ कहती है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो डेल्टा एस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी का चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा. ये स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड लॉ का. अब इस स्टेटमेंट को हमें अप्लाई करना होगा अपने एक फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर 1. तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हमें यहाँ से मिलेगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमने यहाँ से देखा कि डेल्टा एस रहने वाला है पॉजिटिव. दैट मीन्स माइनस टी, इसको हम इक्वल टू करके लिख लेते हैं, माइनस टी डेल्टा एस. ये वैल्यू कैसी होगी हमें ये पता करना है. तो यहाँ पे डेल्टा एस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. टेम्परेचर क्योंकि हम केल्विन में रखते हैं बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव, और नेगेटिव का साइन यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो प्लस और माइनस ओवरऑल जो मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट मिलेगा वो आने वाला है नेगेटिव. दैट मीन्स डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव. ये है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. हमने इसे कंक्लूड करा है दो रिलेशन से. पहला एक डेल्टा जी का रिलेशन है और सेकेंड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हमने इसे कंक्लूड कर लिया है, जिसको देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा. तो स्टेटमेंट 4th, दैट मीन्स डी, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अभी आंसर नहीं है, मैं इसको टिक को हटा रही हूँ, बट ये स्टेटमेंट सही है कि जो डेल्टा जी है इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इसी से कनेक्ट करेंगे सेकेंड के लिए. तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जो डेल्टा एस होता है वो होगा नेगेटिव. अब अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो चलिए देखते हैं डेल्टा जी हमें इस रिलेशन से क्या वैल्यू दे देगा और क्या क्या हमें पता चल सकता है. डेल्टा एस नेगेटिव है, टी ऑलवेज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि ये हो जाएगा प्लस. दैट मीन्स डेल्टा एस होगा ग्रेटर देन ज़ीरो. तो हमें एक अगेन सेकेंड फैक्ट मिल गया है. तो देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा. तो ये हमें बी स्टेटमेंट में दिख रहा है. डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है. बट अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमें फिर देखना होगा ए स्टेटमेंट के लिए जो गलत है. तो डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव था स्पॉन्टेनियस के लिए, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट स्टेटमेंट में कंक्लूड कर चुके हैं. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत और ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर. फिर भी मुझे अभी एक सी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना रह गया है, तो हम लोग उसे जस्टिफाई कर लेते हैं. कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी का चेंज हो जाएगा ज़ीरो. अगर एंट्रोपी का चेंज ज़ीरो है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी है जो इस रिलेशन से आ रहा है वो डेल्टा जी भी हो जाएगा ज़ीरो. तो डेल्टा जी अगर ज़ीरो है दैट मीन्स हम कह सकते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि वो जितना भी वर्क होगा उसको उस डायरेक्शन में कंप्लीट कर देगा और नेट वर्क जो उसके लिए मिलेगा वो ज़ीरो हो जाएगा. वर्क की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें बताया जाता है कि डेल्टा जी होता है मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम. तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं.
तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है हमारा आंसर होगा, सो आंसर इज ऑप्शन ए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.